ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस समारोह में प्रमुख रूप में उपस्थित मंच में विराजमान राज्य सरकार के मंत्री श्री बीडी कल्लाज जी, ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव राज्यगी ब्रजमोहन भाई जी, ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राज्यगिनी मुनि बहन जी, राज्यगी मृत्युंजय भाई जी, राज्यगिनी सुषमा बहन जी, राज्यगी करुणा भाई जी, ब्रह्मा कुमारी राज्यगी ब्रजमोहन भाई जी, ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी राज्यगी भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, पहले नया साल 2023 की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले वर्ष सितंबर में मेरा यहाँ आने का कार्यक्रम था, लेकिन अपरिहार्य कारणवश उस समय मैं आप सबके बीच उपस्थित नहीं हो सकी। इसलिए आज आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। बहुत दिन के बाद इस इंद्र सभा में कुछ समय बिताने का मुझे बाबा ने बुलाए हैं, इसीलिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए शायद आज मेरे लिए ये समय है आपके साथ कुछ क्षण बिताने के लिए। आनंदमय और सफल बना सकते हैं, मुझे दूसरे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा शुरू किए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान राइज, राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट का शुभारंभ करने का अवसर मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें ये समझने में मदद करना कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से कैसे वे अपने जीवन को शांतिपूर्ण, आनंदमय और सफल बना सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये अभियान आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा उभरते भारत को स्वर्णिम भारत बनाने में अपना योगदान देगा। मैं इस अभियान की सफलता की मंगल कामना करती हूँ। पिछले वर्ष नवंबर में सिक्किम के निमची में ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल सेंटर का शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था। आज मैं यहीं से हैदराबाद में स्थित मानवता की सेवा के लिए समर्पित ब्रह्मा कुमारी साइलेंस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन कर रही हूँ। मुझे विश्वास है कि ये साइलेंस रिट्रीट सेंटर आध्यात्म के माध्यम से हैदराबाद और आसपास के क्षेत्र के निवासियों के सामाजिक उत्थान में सहायक होगी। इंदौर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम, स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी और साधना कुटीर का शिलान्यास करके मुझे प्रसन्नता हुई है। मुझे विश्वास है कि इन सुविधाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर इन केंद्रों पर आने वाले लोगों को
सहूलियत होगी। देवियों और स्वजन, भाइयों और बहनों, इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य मानसिक शांति चाहते हैं और उसके लिए प्रयास भी करता है। हम चाहे किसी भी देश, धर्म, जाति या संप्रदाय के हो, भोजन और पानी की तरह शांति भी हमारी मूल आवश्यकता है। यह प्रसन्नता की बात है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान शांति और आनंद के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान से मेरा गहरा संबंध रहा है और बना रहेगा। मैंने इस संस्थान में राज्य की पद्धति सीखी, बाहरी भौतिक सुविधाओं और घटनाओं के स्थान पर आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को महत्व देने वाली इस पद्धति ने मेरे जीवन में उस समय प्रकाश व उत्साह का संचार किया जो मुझे अंधकार और निराशा का अनुभव हो रहा था। एक गौरव की बात है कि विगत लगभग 80 वर्ष से ब्रह्मा कुमारी संस्थान आध्यात्मिक उन्नति, व्यक्तित्व में आंतरिक परिवर्तन तथा विश्व समुदाय के पुनरुद्धार के लिए अमूल्य योगदान देता रहा है। शांति, अहिंसा और प्रेम पर आधारित सेवा भावना के जरिया इस संस्था ने होलिस्टिक एजुकेशन, ग्राम विकास, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, डिजास्टर मैनेजमेंट, दिव्यांगजनों की सेवा, अनाथ बच्चों के कल्याण तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए। इन कार्य के लिए आप सबकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की प्रतिनिधि माताएं व बहनें रक्षाबंधन के दिन विश्व में जहाँ कहीं भी है वहाँ के लोगों की राखी बांधते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा कुमारी विश्व समुदाय के अनेक लोगों को प्रेम का अटूट बंधन ने बांधते हैं। ऐसे प्रयासों का भी विश्व शांति के प्रसार पर सार्थक प्रयास है। मुझे बताया गया है कि आज ये संस्थान 137 देशों में लगभग 5000 ध्यान केंद्र का संचालन करने के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी मानवता की सेवा कर रहे हैं। इस संस्थान के संचालन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका होती है और स्पिरिचुअल ब्रदर्स इस कार्य में सहायक करते हैं। ये संस्थान महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संस्थान है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सफलता ये सिद्ध करती है कि अवसर मिलने पर महिलाएं पुरुषों के बराबर या शायद उनसे भी बेहतर काम कर सकते हैं। परम पूज्य पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने जिस सोच के साथ महिलाओं को अग्रणी भूमिका दी उसी सोच की ओर अधिक आवश्यकता आज के विश्व समुदाय को है। अनेक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने वाली महिलाओं की कार्यशैली और उनके जीवन मूल्यों को देखकर बहुत से लोगों ने ये विचार व्यक्त करते हैं कि यदि विश्व समुदाय का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जाए तो ऐसा विश्व शायद अधिक सक्षम, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और प्रेमपूर्ण होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने महिलाओं के सशक्तिकरण तथा उनकी उन्नति में सक्रिय भूमिका निभाई है। ब्रह्मा बाबा का मानना है कि महिलाओं के आध्यात्मिक, सामाजिक और बौद्धिक सशक्तिकरण में ही विश्व का समग्र विकास निहित है। भाइयों और बहनों, मेरा मानना है कि आध्यात्म ही वो प्रकाशपुंज है
जो पूरी मानवता को सही राह दिखा सकते हैं। अमृत काल में सन 2047 के स्वर्णिम भारत की ओर आगे बढ़ते हुए हमारे देश को विश्व शांति के लिए विज्ञान और अध्यात्म दोनों का उपयोग करना होगा। हमारा लक्ष्य है कि भारत एक नॉलेज सुपर पावर बने। हमारी आकांक्षा है कि इस नॉलेज का उपयोग सस्टेनेबल डेवलप के लिए हो, सामाजिक सौहार्द के लिए हो, महिलाओं तथा वंचित वर्गों के उत्थान के लिए हो, युवाओं की ऊर्जा के समुचित उपयोग के लिए हो तथा विश्व में स्थायी शांति की स्थापना के लिए हो। भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। हमारे देश ने कोरोना की वैश्विक महामारी का सामना करने में भी अनेक देशों की मदद की। इस प्रकार की सेवा और सहायता द्वारा भारत ने विश्व बंधुत्व का प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया है। विश्व कल्याण का यही भावना गीता में स्थान स्थान पर दिखाई देता है। एक अध्यात्म में एक अध्याय में भारत में जो युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्तों के लक्षण जो समझाते थे, भगवान कहते हैं कि उन्हें ऐसे भक्त सर्वाधिक प्रिय लगते हैं जो सर्वभूत हिते रहता, अर्थात सभी प्राणियों के हित में निरंतर कार्यरत रहते हैं। भाइयों और बहनों, आज हमारे सामने जलवायु परिवर्तन के कारण अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। कोविड-19 महामारी ने भी जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों का उजागर किया है। पर्यावरण का संरक्षण भी एक तरह से आध्यात्मिक सशक्तिकरण ही है, क्योंकि स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण हमें शांति प्रदान करते हैं। पर्यावरण और अध्यात्म का ये परस्पर संबंध हमारे लिए नई बात नहीं है। हम सदियों से पेड़ों, पहाड़ों और नदियों की पूजा करते आ रहे हैं। भगवान बुद्ध ने शांति की खोज एक वृक्ष के नीचे ही की थी। अनेक ऋषि मुनि पहाड़ों पर, गुफाओं और कंदराओं में ज्ञान के लिए तप करते रहते थे। अपने जीवन में शांति लाने के लिए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी ही होगी। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने में भारत ने महत्वपूर्ण पहल की है। हमारे देश ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय किया है। भारत ने ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल भी की है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी इन संकल्पों ने हमारे देश को अग्रणी और संवेदनशील राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान की है। भाइयों और बहनों, युद्ध और कलह के वातावरण में विश्व समुदाय समाधान के लिए भारत की ओर देख रहा है। अनिश्चितता के इस दौर में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के साथ साथ भारत विश्व में शांति के अग्रदूत की भूमिका भी निभा रहा है। अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुरूप हमारे देश अध्यात्म व नैतिकता पर आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण हेतु सक्रिय है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर आदि शंकराचार्य, गुरु नानक देव, संत कबीर और महात्मा गांधी की शिक्षाओं ने पूरी विश्व को प्रभावित किया है। ओम शांति का मंत्र अधिकांश भारतवासियों के जीवन का हिस्सा रहा है। आदिकाल से ही हम भारतवासी जल, थल, आकाश,
वनस्पति आदि सहित सर्वत्र शांति की प्रार्थना करते रहे। दया और करुणा ही भावना भारतवासियों की जीवन मूल्यों में शामिल रही है। भाई और बहनों, मेरी मंगल कामना है कि माउंट आबू से शुरू हुआ ये राइज अभियान सभी देशवासियों को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने में ते हुए भारत को भी एक सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें तथा पूरी मानवता के कल्याण को संबल प्रदान करें। राजयोगी ब्रजमोहन भाई जी ने बहुत बड़ी बात कही, मैं ब्रह्मा बाबा को नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि महिलाओं को पूरा विश्व में शांति और शक्ति प्रदान करने के लिए कलश, उनके सर पर कलश दिए हैं। आज इस संस्थान द्वारा पूरे विश्व में माउंट आबू से जाकर के बहने लोगों को लोगों के मूल्यों को लोगों के अंदर रहने वाला शक्ति को पहचानने के ज्ञान देने के लिए पूरा विश्व में इस तरह के सेंटर बनाकर उन लोगों को जागरूक करने के लिए बहनों को सशक्त बनाए। आज मैं समझती हूँ देश में जो भी बेटियों के ऊपर, बहनों के ऊपर जो भी ऐसे घटनाएं घटित हो रहे हैं, मुझे लगता है बहनें ही ऐसे शक्ति बनकर आगे आएंगे और लोगों के अंदर जो सत्व गुण है उसको जागरूक करेंगे, स्नेह, प्रेम, शांति, आत्मीयता। मुझे लगता है उनके अंदर जो विकार है उसको समाप्त करने में बहनों का जो प्रयास, उनका जो शुभ भावना, आज ये बहनें मुझे लगता है 10 या 60 के 70 लाख तो हो गए हैं। ऐसे ऐसे सेंटर आज गांव-गांव में हो रहा है, मुझे लगता है उनका सकाश, उनका शुभ भावना लोगों के मन में जो विकार है वो समाप्त करेगा और एक ना एक दिन सरकार अपने तरफ से, गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक संस्था के रूप में आज केवल ब्रह्मा कुमारी नहीं, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं इस दिशा में आगे बढ़ रहे। मुझे लगता है ये वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, आहिस्ते आहिस्ते लोगों के मन में आध्यात्मिक भाग जागृत हो रहा है। पुराण महाभारत कहीं पे भी हम देखें ऐसे घटनाएं घटित हो रहा था। मुझे लगता है अभी ये कलिजुग है, ज़्यादा ही हो रहा है। कलिजुग का मानसिकता को खत्म करना होगा और सत्य युग को आह्वान करना होगा और इसीलिए हम सब प्रयास, हम लोग सबको प्रयास करना होगा और मन में सद्गुण को हम अपनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय
ओम शांति।